वीर अब्दुल हमीद कहाँ के? गाजीपुर, गाजीपुर में है, वहां पे, जहाँ पे धामूपुर जगह है, वहां पे थे वीर अब्दुल हमीद। वीर अब्दुल हमीद इतने बहादुर थे कि पाकिस्तान जो था 62 की लड़ाई में वो चाइना से लड़ते, 65 की लड़ाई में पाकिस्तान, पाकिस्तान ने, पाकिस्तान को अमेरिका ने इतना खतरनाक टैंक दिया था, पैटर्न टैंक, पैटर्न टैंक को मारना लगभग नामुमकिन था और कोई हथियार भी नहीं था मारने के लिए। और वीर अब्दुल हमीद के पास एक आरसीएल गन थी, आरसीएल गन जीप पर रखा गया रहता, वो गन की सबसे बड़ी खराबी, फायर करेंगे ना तो धुआं कर देता, यानी आप कहाँ से फायर किए ये कोई भी आपको देख लेगा। तो वीर अब्दुल हमीद जो थे आरसीएल गन से पैटर्न टैंक को मारे और तुरंत वहां से अपना जीप लेके भाग गए, तो पैटर्न टैंक उधी आ गया, ऐसे करते करते 3 टैंक उड़ा दी। लेकिन उस टैंक की सबसे बड़ी खराबी, आरसीएल गन जो होता है उसकी सबसे बड़ी खराबी, अब जैसे एक पटाखा फोड़ते हैं तो कैसे पता चल जाता है कहाँ फोड़ा है, उसी तरह उनका भी लोकेशन पता चल गया, सीधे तोप से गोला मार दिया सब वीर अब्दुल हमीद की, जीप सहित उधी आ गया, पूरा शरीर चिथड़ा उड़ गया, पूरा का पूरा बटोर के ऐसे बॉडी को लाया गया। लेकिन देखिए लोग ऐसे मरेंगे तो मृत्यु हो जाएगी, लेकिन वीर अब्दुल हमीद हमेशा से के लिए अमर हो गए। और इतना ही नहीं, आज भी गाजीपुर की पहचान जो होती है वीर अब्दुल हमीद से होती है, कि यही वो जगह है जहां एक छोटे से गांव धामूपुर का एक व्यक्ति अमेरिका के जो पैटर्न टैंक, जिसे अमेरिका कहता था कि इसे कोई नहीं मार सकता, उसके चिताड़ा उड़ा के रख दिया। अब बस वो आरसीएल गन, अब तो चार और आरसीएल गन रहता, उसके बाद तो पाकिस्तान की सेना ही आगे नहीं बढ़ी, बस आरसीएल गन देखते थे तो भाग जाते थे सब, उसको लगता था कि सब वीर अब्दुल हमीद है। अब भारत का हर सैनिक बहादुर है, एक पूरा का पूरा, बशर्ते किसी को मौका मिला किसी को नहीं, तो जिसको मौका मिला वो इतिहास बना दिया, चाहे वो विक्रम बत्रा हो, हमारे कैप्टन मनोज, मेजर मनोज पांडे कैप्टन थे वो, बाद में मेजर बना दिया गया उन्हें, उनको मिल गया, उनकी तो गोली खत्म हो गई थी तो चाकुए से मार दिए, वहां पर जाके चाकू चाकू मार दिए वहां, बताओ समझ गए, शैतान सिंह चाइना वाले को। तो बताएंगे गाजीपुर के कौन थे? वीर अब्दुल,